जी हाँ, आपके लखीसराय का गौरव यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल, यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल को और बेल आइकन दबाइए एवं देखिए मेरे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं टाइप थ्री के प्रश्न संख्या फोर की ओर। और टाइप थ्री के प्रश्न संख्या फोर में दिया हुआ है कि दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। दोस्तों दिया हुआ है दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो दोस्तों इस टाइप का प्रश्न बनाने के लिए हम लोग हमेशा जो भी दो संख्या इसमें मौजूद रहता है उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे बड़ा संख्या है उसको हम लोग ए माने हैं और जो छोटा संख्या है उसको हम लोग बी माने हैं। यानी ए इक्वल टू हो गया 425 और बी इक्वल टू हो गया 250। अब दोस्तों यहाँ पे हमको निकालना है पात्र की महत्तम धारिता। तो पात्र की जो महत्तम धारिता होगा उस दोनों संख्या का एचसीएफ होगा, दोनों संख्या का एचसीएफ होगा। और एचसीएफ के बारे में हम लोग आप लोग को रियल नंबर के फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ 425 और 250 का एचसीएफ निकाले हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो हम लोग एचसीएफ निकाले हैं तो एचसीएफ जो आया है वो आया है 25। कितना आया है एचसीएफ? 25 आया है। इसलिए जो यहाँ पे पात्र की महत्तम धारिता होगा वो होगा 25 लीटर, वो होगा 25 लीटर। ठीक है दोस्तों, वो होगा 25 लीटर। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। तो इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न में हम लोग हमेशा निकालते हैं एचसीएफ। तो आप यहां देख सकते हैं कि हम लोग मान लिए हैं ए इक्वल टू 4661 और बी इक्वल टू 3318 तथा वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बराबर ए और बी का एचसीएफ। ए और बी का एचसीएफ मतलब इस दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे तो इस दोनों का जो एचसीएफ होगा वही होगा वर्गाकार टाइल्स की लंबाई। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि 3318 और 4661 का हम लोग एचसीएफ निकाले हैं और एचसीएफ निकालने पे हमको यहाँ मिला है एचसीएफ कितना 79 मतलब 79। इसलिए यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स की लंबाई जो होगा होगा 79 मीटर। ठीक है दोस्तों, 79 मीटर। तो आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 में यहाँ दिया हुआ है कि वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या है, सबसे पहले हम मान लिए हैं वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या बराबर x, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या बराबर x और लंबाई को मान लिए हैं l जो दिया हुआ है 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या है, यहाँ से हम लोग क्या इसको 16 मीटर को बदल दिए सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना कर दिए तो बदल गया है सेंटीमीटर में। तो कुल मिलाकर हो गया हमें यहाँ पे 1658 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई जो माने हैं बी, चौड़ाई बी जो दिया हुआ है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर को बदल दिए हैं सेंटीमीटर में, तो हो गया कुल 800 सेंटीमीटर। फिर 32 जोड़ दिए हैं तो हो गया 832 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को करना है क्या है, सबसे पहले ये लंबाई और चौड़ाई का यानी एल और बी का सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, मतलब 1658 का और 832 का। तो 1658 का और 832 का यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकालने हैं, तो आया है हम लोग का कितना 2, कितना आया है
दो। अब यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या का जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई बटे दो गुना एस सी एफ। तो लंबाई हमको दिया हुआ है 1658 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 832 सेंटीमीटर और ये फॉर्मूला का दो हो गया और यहाँ एस सी एफ आया है तो वो दो हो गया। अब यहाँ से हम लोग किए क्या है, दो से पहले काट दिए हैं 832 को तो आ गया है 416, फिर दो से काटे हैं हम लोग 416 को तो आ गया है 200। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके बाद 1658 और 208 को गुना किए हैं, 1658 और 208 को गुना किए हैं तो वहां आ गया 344,864, 344,864। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।